सर प्लीज़ एडवाइस ऑन हिंडालको इंडस्ट्रीज एंड इट्स फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स विल इट बी गुड टू इन्वेस्ट एट करंट लेवल्स हिंडालको मेटल में है लेकिन वो सिक्लिकल नहीं है क्यों क्योंकि 80 परसेंट उसका जो काम है जो बिजनेस है वो नावलिस से आता है नावलिस कैनेडा की कंपनी है और कैनेडा में आप अगर देखेंगे नावलिस का ऑपरेशन इन्होंने सात आठ साल पहले लिया था दस साल हो गए शायद और शायद दो में लिया था इफ आई एम नॉट मिस्टेक ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर्स हो गए सॉरी और नॉवलिस वो जो कोक के कैनस और ये सब बनाती है उनको सप्लाई करती है एलोमिनियम और ये बिज़नेस में क्या होता है वो सिर्फ कॉस्ट प्लस बिजनेस है तो इवन दो हिंडालको का इंडिया ऑपरेशंस विच इज़ अबाउट 20 25 परसेंट ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू एल्युमिनियम और बॉक्साइट और मेटल से रिलेटेड है एट्टी कॉस्ट प्लस बिजनेस है जहाँ वो एलमिनियम लेते हैं और उसको कैन बनाकर बेच देते हैं कोक पेप्सी टाइप कंपनियों को तो नावलिस जो इनकी है कनाडा वाली कंपनी मेजर वहीं से आता है तो अगर आपको 13 14 15 परसेंट टाइप कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो मेरे को लगता है हिंडालको अच्छा और एक खास बात इसमें यह है कि नावल का जो रिटर्न है जो उसकी रिटर्न्स और प्रॉफिट आएगी वो डॉलर टर्म्स में आएगी आपको जो अंडरलाइंग बैलेंस शीट में जो कंसॉलिडेटेड एंटिटी में आती है तो आपको हिंडालको इज़ ऑल्सो हैज अगेंस्ट योर लोकल करेंसी विच इज़ द रूपी मतलब कि अगर डॉलर हर साल तीन परसेंट अप्रीशिएट करता है तो अस्सी परसेंट हिंडालको का बिजनेस जो कनाडा से आता है वो क्योंकि डॉलर टर्म्स में आएगा वो तीन परसेंट तो नॉर्मल ग्रोथ हुआ दस बारह परसेंट आप देखेंगे कि एक नॉम एक वो बिजनेस का ग्रोथ है तो फिफ्टीन परसेंट उसका इंटरनेशनल ऑपरेशन बढ़ता है लोकल ऑपरेशन बारह से बढ़ेगा सो एन अ ब्लेंडेड बेसिस अगर आपको दस साल में हिंडालको की अर्निंग्स देखनी है तो थर्टीन फोटीन फिफ्टीन से कंपनी ग्रोथ करे बिना टेंशन के बिरला जी की कंपनी है बिरला जी देखेंगे संभालेंगे अच्छा करेंगे और कम से कम कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंगल से आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा तो मेरे को लगता है वो एंगल से आप देखें तो अच्छा रहेगा बजाय कि आप हिंडालको के बजाय कि आप टाटा स्टील लें टाटा स्टील फिर भी रिस्क ओपन है स्टील अथॉरिटी रिस्क ओपन है तभी हिंडालको ज्यादा जोर से गिरता भी नहीं है और ज्यादा जोर से बढ़ेगा भी नहीं क्योंकि उसमें अब्रप्टनेस ऑफ अर्निंग्स नहीं है जो अर्निंग्स आएगी वो कंसिस्टेंटली आएगी एनी वे